हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस टू, सो दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड 2। सो लेट्स सी गिवन इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन। तो हमें यहाँ एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस टू, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड 2। सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों ही साइड में एलसीएम ले लेते हैं ना, या इसे एक बार लिख दिया चलो एज इट इज। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एल सी एम, सॉरी दिस इज एल सी एम, बोथ द साइड है ना, बोथ द साइड्स। और थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जो एल सी एम आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। ओके, तो जैसे ही एक्स प्लस वन से एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन से हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4x माइनस टू माइनस 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x माइनस 2। तो देखिए अब क्या करना होगा मुझे, ब्रैकेट्स को सिंपलीफाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पर यदि सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। ओके, अब अगेन क्या करना है हमें, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x से 3x कैंसिल हो रहा है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस में 4, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू इट बिकम्स 2x, और माइनस में कितना हो जाएगा, 11 डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। चलिए अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 4 से होगा, और 2x माइनस 11 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से। तो इम्प्लाइज दे देगी एक्स का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से होगा, तो 2x क्यूब आ जाएगा प्लस में 4x आ जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में 8 आ गया, इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, एक्स से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2x स्क्वायर, एंड यहाँ पे होगा कितना, माइनस में 4x। ओके, तो अब एक्चुअली माइनस 11 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 22। ओके, तो देखिए अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, कि 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो इम्प्लाइज दैट ये 4x स्क्वायर, ऐसे माइनस 11x स्क्वायर, और ये जो दिख रहा है हमें 2x स्क्वायर, तो माइनस में 9x स्क्वायर ट्रांसफर होकर के इधर आ जाएगा, और ये 4x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमें कितना देगा, टोटल 5x स्क्वायर बच गया है ना, ये प्लस में 4x और माइनस में, चलो पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 4x और माइनस 11x, माइनस 15x इधर आकर के प्लस में 15x, और प्लस 4 से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में 19x। ओके, एंड माइनस 8, और ये इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस 22 के साथ माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से रेडी हो गया।
अब हमने क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है, मतलब फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो ये जो है यहाँ पे 5x² एज इट इज है ना, और इसको यदि हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे कौन से दो नंबर्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये +25x एंड -6x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना रहा, 150 आ रहा है ना। चलिए तो ये -30 = 0। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और एक्स की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट, देखिए फर्स्ट टू टर्म से हम 5x कॉमन देख रहे हैं तो जाएगा x+5, और यहाँ से -6 कॉमन देख रहे हैं x+5 = 0। तो इम्प्लाइज दैट x+5 और 5x-6 = 0। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइदर x+5 = 0 और 5x-6 = 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x = -5 और x = कितना आ जाएगा, 6/5। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर्स लिख देंगे, सो x = -5 और 6/5। सो दीज आर द फाइनल आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड बाई दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।